रेडिश। थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक यू। नहीं ये मैं अपनी नींद में भी उठ के बोलते थे मूली। एक बड़े फेमस शेफ हैं जिनकी एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आती है, अ रेसिपी हैज नो सोल, यू एज द कुक मस्ट ब्रिंग सोल टू द रेसिपी। वैसे एक शेफ के अलावा भी कोई है जो चंद अक्षरों में ऐसी जान डाल देता है ऑडियंस ताली और सीटी बजाती रहती है। मैं बात कर रहा हूं द फर्स्ट चॉकलेट बॉय ऑफ बॉलीवुड ऋषि कपूर साहब की। और उनके बारे में बात करने के लिए, खाने पे बात करने के लिए और उनकी आखिरी फिल्म के बारे में बात करने के लिए मैंने इनवाइट किया है मेरे दोस्त और शर्मा जी नमकीन, जी हाँ फिल्म का नाम यही है, के मुख्य कलाकार जूही चावला जी और परेश रावल जी को। प्लीज वेलकम। सो गुड टू हैव यू हियर। और मतलब मुझे लगता था कि खाने के बारे में मैं ही बात करता हूँ, आप तो खाने के अंदर पूरा घुस गए हैं, मतलब फिल्मी उसके ऊपर। हाँ फिल्मी उसके ऊपर। भाई आई थिंक ऋषि कपूर जी जो होते हैं, वैसे सारे कपूर जितने होते हैं ना, वो सब खाने के इतने ज़्यादा शौकीन। सिर्फ कपूर ही नहीं, हाँ पूरी पंजाबीयत। That's so true, that's so true। ये भी तो कपूर एक कपूर में है हमारे साथ। बिल्कुल। तो हाँ वो मतलब मैं एक्टिंग में नहीं गया, कुछ तो कोई तो खाना बनाएगा ना। बट तो ऋषि कपूर जी के साथ में मतलब जब भी मिलो ना तो सब मेरी देख तो वैसी शक्ल देख के लोगों को खाना याद आता है और कुछ नहीं होता। बट ही वॉज सो ऑब्सेस्ड। आपकी मतलब क्या कोई यादें चिंटू साहब के साथ? हाँ चिंटू साहब के साथ तो मैं जब उन वो जो डायरेक्ट कर रहे थे आप लौट चले फिल्म, मैं पहले दिन जब पहुंचा न्यूयॉर्क तो मिले मुझे लॉबी में, हे परेश तू यहाँ एक चिन चिन करके रेस्टोरेंट चाइनीज़ है, फिर ओटावे करके एक जैपनीज़ है, फिर वर्जिल ग्रिल में जाना उसमें कैटफिश। मैंने एक डायरेक्टर रोल या स्क्रिप्ट सुनाने के बजाय कौन से रेस्टोरेंट उनके बारे में बता रहे हैं, सो पैशनेट अबाउट इट। ओह माय गॉड, पैशन तो मतलब एक्टिंग ऑफ कोर्स, बट आई एम नॉट शौकीन। दैट्स इट। व्हाट अबाउट यू, आपको क्या मतलब कोई ऐसे नॉट खाना बट अदरवाइज आल्सो? एक्चुअली आई वर्क्ड विद हिम इन क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स एंड सीन हिम थ्रू माय जर्नी एज एन एक्टर। मगर क्या आई फील देयर इज वन सीन दैट वी डिड इन से लक बाय चांस, दैट इज आल्सो एन एक्सेल फिल्म ओनली। तो वहां पर हम वी आर प्लेइंग अ प्रोड्यूसर कपल, वेरी पंजाबी एंड एज पंजाबीज आर लाइक दिस, खाने पीने की तो बात होनी चाहिए और अच्छा अच्छा खाना होना चाहिए। बट ऑफकोर्स द वाइफ हु इज प्लेड बाई मी, शी इज़ मोर कॉन्शियस अबाउट हर हेल्थ। तो वो उनके घर से डब्बा आता है, फिर उसमें स्प्राउट्स होते हैं और सैलड होता है और ऐसी चीज़ें। तो इट्स जस्ट वन सीन इन द फिल्म वेर एज यूजल दिस डब्बा कम्स यू नो फॉर लंच एंड ही इज़ इन हिज ऑफिस एंड ही इज़ लाइक ये क्या है, फिर यही ओ यार हटा ऐसे मंगवा नीचे से, यू नो ही टेल्स दिस बॉय के समोसे और बिरयानी मंगवा। सो आई फेल्ट दैट काइंड ऑफ समड अप चिंटू जी इन रियल लाइफ आल्सो, इट जस्ट इट वाज इन द फिल्म बट इट वाज हिम। या या बट आपको ये फिल्म में राइट मतलब जो अपॉर्चुनिटी है ऐसी फिल्मों में तो ऐसा शायद पहली बार ही हो रहा होगा। पहली बार है। So that I think is very unique. So very unique, absolutely unique and amazing. ये अलग किस्म की रिले रेस है। उन्होंने छोड़ा है वहाँ से पकड़ के भागना है और उन्होंने जो बोया है, उन्होंने जो बनाया उसको वेंडलाइज भी नहीं करना है। उसकी ब्यूटी को लेके भागना है, जैसे कांच का बर्तन लेके भागते हैं उसके अंदर अपना भी कुछ डालना। ये बड़ा ही यूनिक एंड वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। बट ये लोगों के लिए बहुत मजा आएगा। लोगों को बहुत मजा आएगा कि एक किरदार अलग अलग पर्सपेक्टिव से किया जा सकता है, अलग अलग नॉट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक नहीं लेकिन अंदाज बयां। ये मजा आएगा लोगों को, बड़ा ही यूनिक है ये। या मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइफर कि अच्छा ये कैसे कैसे। और संजीव भाई मजे की बात है, ये तो है, ये तो बोनस फीचर है, बट जो ओरिजिनल कहानी जो भी इतनी खूबसूरत कहानी है, इतनी बेहतरीन कहानी है। मैं तो कल भी एक इंटरव्यू में कहा था कि शर्मा जी हर घर में होते हैं। हाँ।
हर घर में एक बंदा रिटायर होने वाला होता है, उसकी छटपटाहट क्या होती है वही जानते हैं और घर वाले जानते हैं। हर घर में एक शर्मा जी होते हैं, तो यूनिक फिल्म है। अच्छा थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट करें? नहीं खाने की और क्या? हाँ चलिए चलिए। अच्छा एक छोटा सा गेम करते हैं। हमारे खाने में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, फल सब्जियाँ, और रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू में समझ आता है कि अरे ये लेडीज़ फिंगर, अच्छा भिंडी हो गई, बैंगन एग प्लांट हो गया ना, अंडा है उसके अंदर, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो जो भी है शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं। नहीं मेरे से क्यों? अच्छा देखो पहला वर्ड आसान है, एक मिनट, नहीं नहीं पहला वर्ड आसान है, किससे शुरू करूँ? अच्छा इंग्लिश में बोलूंगा, आपको हिंदी में बताना है, ठीक है? चलिए तो आपको बताना है कि हिंदी में क्या कहते हैं टर्मरिक को, हिंदी में क्या कहते हैं? हल्दी। क्या बात है, एक ये अच्छा है। देखा कोविड के बाद तो सबको पता चल गया टर्मरिक। अच्छा ऐसे ही, ऐसे सारे सवाल सारे ऐसे ही करिएगा प्लीज। बिल्कुल सारे ऐसे ही करेंगे। सेसमी सीड्स। इमली। अभी अभी तो मतलब 1-0 चल रहा है। सेसमी सीड्स, सेसमी सीड्स, टोटल डम। तिल। 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 सेसमी सीड्स, तिल। ओके अच्छा अब आपकी बारी। जिंजली सीड्स। जिंजली, मेरे को पता है कि मैंने सुना था जिंजली, जिंजली ऑयल। ओह यस, क्या बात है, परफेक्ट। बट टोटल माने मैं तो नहीं, मैं आइदर। अच्छा ठीक, नहीं ठीक है, ये भी तिल ही होता है। नो यस नो, क्या बात कर रहे हो? नो नो नो, ये तो, ये तो कमाल है। काला तिल नहीं, का तिल तक किसी तरह के भी हो सकते हैं। फेनल। अबे दे ये भी, अब मैं बताती हूं, धनिया। आसपास की बात है, पता नहीं फेनुग्रीक ना क्या बोलते हैं, फेनुग्रीक क्या बोलते हैं उसको, अब बहुत नजदीक है मगर वो ये सब टेढ़ा मेढ़ा हो गए। अच्छा अभी आपने वो जवाब दिया भी था किसी और चीज के लिए। ये आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो फिर एंड में वहां पर पड़ा होता है ऐसे। अच्छा चलो मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। सौंफ। ओह चलो अमरंथ। हाँ बिटर गुड। नहीं अपना करेला। हाँ सही जवाब, बिटर गुड, करेला, रेडिश। थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक यू। नहीं ये मैं अपनी नींद में भी उठ के बोलते हैं मूली। सही, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब, एकदम एकदम अच्छे से जवाब दिया। चलो मेरे ख्याल से स्कोर जो है ये पहला राउंड था बड़ा सवाल जवाब में, मतलब कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये इसमें जो जीत हुई है जिसने सवाल लिखे हैं ना उसकी जीत हुई है। ओके सो दिस राउंड क्लियर विनर वी हैव जूही जी एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। अच्छा राउंड टू, ये जो गेम है ब्लाइंड फोल्ड आपको कर दिया है, आपकी भी बारी आएगी। आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी, आप उसको टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा सकते हैं, और पहचानना है वो कौन सी चीज़ है। आपने ज़रूर खाई होगी ये बचपन में, राइट? रेडी परेश जी, चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए, ये आपके हाथ में हमने दे दिया। ऑरेंज पेपरमिंट। वाह, अरे मतलब शेप से, शेप से, शेप से, शेप और ऊपर है जो रफ है ना वो। हाँ वेल डन, क्या बात है। मैं एक मिनट, अंदर से दिख तो नहीं रहा है इनको? अरे अच्छा क्या बात है, वाह सिक्सर, तो मतलब कमाल कर दिया इन्होंने। ओके ये दूसरी चीज आपके हाथ में, रेवड़ी जैसा लगता है। रेवड़ी जैसा लगता है, बड़ा बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। अब ये कश्मीर और कन्याकुमारी का डिस्टेंस है बस। बोर है, बेर तो रेवड़ी जैसी है नहीं, वो शेप से थोड़ा गोल गोल था बट उतना कड़क नहीं था, कड़क नहीं था, या इसके लिए मैंने खाया, इसलिए खाया। ठीक है अब तीसरी चीज। अरे यार ये वो हार्ट शेप वाला स्वीट शक्कर डाला हुआ बिस्किट है ये। या लिटिल हार्ट्स, छोटे वाले हार्ट हैं। ओके और अब लास्ट,
ये सच में है क्या? उन्होंने तो अपनी करी होगी ना रिसर्च बताएंगे। ये छोटी सी खजूर तो नहीं है? ये साला बेर की फैमिली का है। बेर का कजिन है, बड़ा वाला कजिन। बड़ा वाला कजिन है। बेरी है ना? बिल्कुल। वेल डन, चार में से चार। थैंक यू। निकाल दूँ? हाँ जी बिल्कुल। जय हो। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। मैं ऐसे क्लैप कर रही हूँ, बट आई एम नॉट लाइकिंग द स्कोर। क्यों? तो परफेक्ट स्कोर है इनका। ठीक है जी, ओके, अब आपकी बारी। मेरी बारी, ओके, ठीक है भाई। ब्लाइंड फोल्ड किया जाए। ओहो। तो आपके तो चार में से चार, अब बारी जूही जी। ओके, ये लीजिए। न्यू कलर वाले जेम सुनिए। वो वाली बिल्कुल 100% हुई क्या है? क्या बात है, वेरी गुड, प्लीज, सही बात है। ओके ओके, अब दूसरी चीज। उप्स, हाँ आगे। वो क्या? हाँ। वो ऐसा जेल, इट्स नॉट जेली, जैसे आपको जैसा वो स्वीट दिया था वैसे उसका भाई। का भाई है, बिल्कुल या, उसका बिल्कुल सही। इसका नाम मैं बोलते हैं जुजू। बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, आपको दिया, आपने पहचाना है इसको। दो में से दो, वाह। हाँ, प्लीज, क्या बात है। ओके नेक्स्ट, ये आपके पास में। एक मिनट, ये क्या है? ये क्या है? इसमें मिंट तो है, शुगर भी है, बट Actually, you are right. This is minty. This has sugar. But Phantom के नाम से इसको सिगरेट बच्चों का होता था ये। चलिए अब चौथी चीज। Oops, दूसरी देते हैं। सेम ही है। I'll have to eat this. Yeah. I can't tell. ये chocolate covered, फिर अंदर ऐसा ये है कुछ। बिल्कुल सही। तो तीन में से चार आपके, आपके चार में से चार अंक। एंड द विनर ऑफ दिस राउंड इज मिस्टर रावल। मिस्टर रावल शर्मा जी। हाँ। नमकीन, बिल्कुल। हाँ। मजेदार फिल्म है, ऐसे ही इसी तरह से हंसते खेलते फिल्म। अच्छा, वैसे फिल्म के बारे में तो कुछ बता सकते हो आप? एक तो ये कि चिंटू साहब की लास्ट फिल्म है, दूसरी बात ये कि आप लोगों के लिए पहली फिल्म होगी जिसके अंदर इस सब्जेक्ट को लेकर इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई गई है। खाने के साथ साथ फैमिली की बात हो रही है, रिटायरमेंट की बात हो रही है, और एक बाप की जो वेदना होती है उसके बारे में बात हो रही है। बहुत मज़ा आएगा आपको, एंजॉय। आई'ड से कि आई फील काफ़ी देर के बाद एक फैमिली फिल्म आ रही है। इट्स एन एंटरटेनिंग, टचिंग, हार्ट वार्मिंग फिल्म। सो आई हाईली रिकमेंड शर्मा जी नमकीन। कब और कहाँ? Amazon Prime Video पे 31st मार्च को। Amazon Prime Video पे 31st मार्च को शर्मा जी नमकीन देखेगा जरूर।